श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हम 14 चैप्टर के लास्ट श्लोक पे हैं फिर हम आज 15 चैप्टर पे स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली अभी तक में कृष्ण ने मोड्स एक्सप्लेन कर दिए, हम कैसे उस मोड्स में फंसे हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया, कृष्ण ने उन मोड से बाहर कैसे निकलना है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, उस मोड में कैसे एक्ट करना है और उसमें मृत्यु कैसे परफेक्शन में पानी है या जिस भी प्रकार से व्यक्ति मरता है उसकी क्या डेस्टिनेशन वो भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर टुवर्ड्स द एंड कृष्ण ने एक्सप्लेन किया कि इस प्रकृति के गुणों से बाहर कौन सा व्यक्ति किस प्रकार जा सकता है, जो हमने लास्ट श्लोक लास्ट टाइम किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था, जो था एक सेकंड स्क्रीन हाँ मम चाहे विचारे ना भक्ति योगे न सेवते हाँ? जो पूर्ण रूप से भक्ति में एंगेज्ड है और कभी भी किसी भी सिचुएशन में हाँ किसी भी सिचुएशन में त्यागता नहीं है अपना भगवान के प्रति भक्ति को, जो उसकी भगवान के प्रति भक्ति है उसको किसी भी सिचुएशन में त्यागता नहीं है, और जो फुल्ली एंगेज्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आया, घर में प्रॉब्लम आया, कोई परिवार में इश्यू हो गया, हेल्थ रिलेटेड भी कोई इश्यू हो गया, तो वो अपनी भक्ति को त्यागता नहीं है, वो व्यक्ति ही एलिजिबल है, वही व्यक्ति लायक है इन प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठने के और स्टेज को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो एलिवेट हो जाता है, राइज करता है किस प्लेटफॉर्म पे, ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे, मतलब पूरे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे वो राइज कर जाता है। तो कृष्ण ने ये अभी ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि वो किस तरह से ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पर राइज कर जाता है। हाँ? अभी प्रश्न ये उठ सकता है, जो 26वें श्लोक और 27वें श्लोक का लिंक है, जो इन दोनों श्लोक का कनेक्शन क्या है, वो व्यक्ति पूछ सकता है कि अब कोई पूरी तरह से हाँ भक्ति में जब जुड़ा है तो वो ब्राह्मण को प्राप्त करता है, हाँ? बट उसकी जो इच्छा है वो ब्राह्मण को प्राप्त करने की तो नहीं है, वो तो कृष्ण को प्राप्त करने की है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण को प्राप्त करता है तो वो ब्राह्मण कोई मुझसे अलग नहीं है। वो 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो प्रकाश है, जो ब्रह्म ज्योति है, जिस निराकार परम ब्रह्म में लोग लीन होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो परम ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो ये जो ब्रह्म प्रकाश है,
जिसमें निराकार पर ब्रह्म लोग लीन होना चाहते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये मुझसे अलग है, बट अब भगवान 27वें श्लोक में इसको क्लियर करेंगे कि नहीं, हाँ ये मुझसे अलग नहीं है, ये पूरी तरह से मेरे पे आश्रित है, मेरे पे डिपेंडेंट है। तो अब ये हमारा 27वां श्लोक अभी आ रहा है सामने। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार परम ब्रह्म का आश्रय हूं, जिस परम ब्रह्म की भगवान बात कर रहे थे, अब भगवान बोल रहे हैं जिस ब्रह्म भूया कल्पते, जिस ब्रह्म को तुम प्राप्त करोगे, अब भगवान क्या कह रहे हैं, वो परम ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है उसका आश्रय मैं हूं, वो मेरे आश्रित है, वो मेरे पे डिपेंड करता है, भगवान बोल रहे हैं। जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है, अभी उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, क्या क्वालिटीज है, वो अमृत है, हाँ उसमें मृत्यु नहीं है, अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता, शाश्वत है मतलब इटर्नल है, हमेशा से हमेशा तक रहेगा, और जो चरम सुख का स्वाभाविक पद है वो कॉन्स्टिट्यूटिव पोजीशन है हाईएस्ट हैप्पीनेस की, वो पोजीशन है चरम सुख कि जो हाईएस्ट हैप्पीनेस की व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है, उसकी उसकी वो लेवल है। हाँ तो ये ब्रह्म ज्योति का बारे में भगवान बता रहे हैं। बहुत से व्यक्तियों को अलग अलग योग सिस्टम में, अलग अलग योग मार्ग में ये लगता है ऐसा, ये प्रतीत होता है ऐसा कि हम किसी ना किसी तरह भगवान बन जाएं, किसी ना किसी तरह परम, किसी ना किसी तरह इस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लें और फिर हम हमेशा से हमेशा तक सुखी रह लेंगे। यहाँ पे भगवान बहुत क्लियर बता रहे हैं अपनी पोजीशन। हाँ अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हम उस निराकार ब्रह्म के बारे में उसकी क्वालिटीज भी पढ़ेंगे और किस तरह हम भगवान पे आश्रित है वो भी तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य है। ब्रह्म का स्वरूप है अमृता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख, ये चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं उसके। हाँ ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है, तो दिव्य साक्षात्कार का ये जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, साक्षात्कार जो एक व्यक्ति को होता है उसका आरंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है। व्यक्ति ब्रह्म रियलाइजेशन से, ब्रह्म साक्षात्कार से परमात्मा साक्षात्कार अगली स्टेज है। और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं, और भगवान को जानना, भगवान के साथ पुनः अपना रिश्ता स्थापित करना हाईएस्ट है। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं, दोनों कृष्ण के भीतर हैं। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपर प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। ये हम 7 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। अब ये हायरार्की बताई है किस तरह व्यक्ति ब्रह्म रियलाइज से धीरे धीरे परमात्मा को साक्षात्कार करता है अपने भीतर और फिर किस तरह वो भगवान का साक्षात्कार करता है। ये सारा का सारा जो है ये भागवत के एक श्लोक पे है, वो श्लोक है वेदांतिस तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। जो वेदांतिस्ट लोग हैं, हाँ जो इस परम सत्य की खोज में है, वो इस परम सत्य को 3 स्वरूपों में जानते, क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान। ब्रह्म ज्योति जो प्रकाश है, परमात्मा जो भीतर परमात्मा रूप में हमारे स्थित, और भगवान जो स्वयं उनका अपने आध्यात्मिक जगत में स्वरूप है, अपने संगी गणों के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, भगवान का जो वृंदावन में, अयोध्या धाम में, वैकुंठ धाम में अपना स्वरूप है विष्णु रूप में। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्मा
आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वे चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार की और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। रास्ते में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार जो चतुष कुमार थे, चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित, लेकिन क्रमशः ग्रेजुअली वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से उठ के ऊपर नहीं उठ पाता, उसके गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवतम में आ गया है कि भले ही कोई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको लगता है कि ये हाईएस्ट है, ब्रह्म ज्योति को रियलाइज करके प्राप्त कर लेना, उनके लिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। मतलब कंटेमिनेशन, विमल मतलब प्योर, तो उसकी बुद्धि प्योर नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा है कि रसो वैसा रसम। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आने वाला है यहाँ पे। क्योंकि इसमें देखो, ये जो लास्ट लाइन मैंने पढ़ी, अतएव ब्रह्म पद है। अब कोई, अगर आप इमेजिन करो प्लीज, ये सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास आपकी शक्ति है, आपके पास आपकी एनर्जी है, क्या है, आपकी ऑफिस में आपके नाम आपके ही काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका स्टाफ है जो आपके लिए काम कर रहा है ऑफिस में। अब ऑफिस में जब आपका स्टाफ आपको रिप्रेजेंट, आपने रिप्रेजेंट कर रहे आपकी एनर्जी स्टाफ के रूप में आपको ऑफिस में, उस स्टाफ को ही सिर्फ खुश करने में लगा रहे और कंप्लीटली उसी को मालिक मानने लगे और आपको तरह से निग्लेक्ट कर दे, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति उस स्टाफ के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसको कंपनी के आसपास भटकने दोगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की मेंटेलिटी करप्ट है। वो एक्चुअल जो मालिक है उसको, मालिक की जो शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं, सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है। सिमिलर तरीके से अगर कोई सिर्फ ब्रह्म ज्योति को ही प्राप्त करना चाहता है और वो भगवान को, जो इस ब्रह्म ज्योति का सोर्स है, जिस पे ब्रह्म ज्योति आश्रित है, उसको रिजेक्ट कर दे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते जी। हाँ, सबसे बड़ी है, भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं मिलती, वो उससे वंचित है। और उसके भगवान की कृपा से वंचित रहने के कारण वो ब्रह्म ज्योति को भी बहुत ज्यादा समय तक पकड़ के नहीं रख सकता। उस रियलाइजेशन को, उस साक्षात्कार को भी बहुत ज्यादा समय तक पकड़ के नहीं रख सकता। तो होता क्या है कि जो जेन्युइन, जो असली ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो असली निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भले आकर्षित ज्यादा हो ब्रह्म ज्योति के प्रति, उनका अट्रैक्शन भले ही ब्रह्म ज्योति के प्रति ज्यादा हो, बट वो असली सोर्स को, भगवान को रिजेक्ट नहीं करते। अपराधी वो व्यक्ति है जो भगवान के स्वरूप को, भगवान की पोजीशन को, भगवान की फॉर्म को, उनकी प्रधानता को रिजेक्ट कर देता है। वो व्यक्ति पे भी नहीं टिक पाता, वहां से पतन हो जाता है, वहां से गिरना पड़ता है उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कुछ भक्ति तो चाहिए अगर किसी को ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त। भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वैसा रसम एवायम लब्धवानंदी भवति।
रथ के आगे भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैतरीय उपनिषद 6 वर्ष से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। अब भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वबुद्धिमान है, भगवान सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, हाँ? और भगवान ये सारी क्वालिटीज होने के बाद भी सबसे ज्यादा वैराग्य भी भगवान में है। ये सब होने के बाद भी भगवान में अटैचमेंट नहीं है किसी भी चीज से, वो कभी भी किसी चीज को। सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, जो राजा का नौकर है, क्योंकि वो राजा के आसपास ही घूमता है तो राजा खाता है और राजा के लिए बनते हैं 56 भोग के पकवान, तो नौकर भी क्या खाता है? 56 भोग के पकवान। राजा के लिए बड़ी गाड़ी में राजा घूमता है तो नौकर भी किसमें घूमता है? बड़ी गाड़ी में घूमता राजा के साथ। तो उसी प्रकार क्योंकि स्वरूप है, जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से आनंदमय है, तो जो भक्त है उसको भी वही आनंद का अनुभव होता है। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमृतता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति के प्रवृत्त व्यक्ति में यह पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे। ये हमारी हमारी का डिस्कशन शुरू हो गया। अभी हम स्पिरिचुअली सेम हैं भगवान स्वरूप में, स्पिरिचुअली बड़े हम बहुत छोटे हैं और भगवान बहुत बड़े हैं, बट हमारी क्वालिटी सेम है। समुद्र के पानी में से आप एक बूंद डाल के ले आओ तो जो एक बूंद है उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो समुद्र के साथ मैच करेगी, बट एक बूंद और समुद्र में बहुत भेद है। थोड़ी सी धूप आएगी तो एक बूंद बहुत जल्दी सूख के खत्म हो जाएगी, समुद्र नहीं सूखता। तो भगवान बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, बट स्टिल हमारे गुण और उनके गुण मैच करते हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्तर पर कार्य नहीं करते, हम इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में मालिक बनना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको पकड़ के रखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फंसे हैं, नीचे गिरते हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति में पवित्र होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो असली में भक्ति में तरक्की कर रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता नेम में, पोजीशन में, नाम शोहरत में, पैसा मिलने में। उनको मिलता है तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको नहीं मिलता है तो वो पागल होके पॉलिटिक्स नहीं करने बैठते कि किसी तरह मैं अपना नाम बना लूं, किसी तरह मैं अपनी पोजीशन बना लूं, एक ऑर्गेनाइजेशन भले मंदिर में कुछ तो मैं ऐसा करूं कि मेरे को सबसे ज्यादा लोग देखें। वो भक्त जब तरक्की कर रहा है आध्यात्मिक स्तर पे, वो इन चीजों से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान में इंटरेस्टेड है, वो भगवान की भक्ति में इंटरेस्टेड है, वो दूसरे लोगों को भगवान की भक्ति में लगाने में इंटरेस्टेड है। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि किसी तरह मेरे को सब वाह वाह करें, मैं मंदिर में चलूं तो सारे आके प्रणाम करें। हाँ, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जब क्लास देने जाऊं और मैं जिस भक्ति वृक्षा में या कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ आनी चाहिए, मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ तो भर भर के लोग आने चाहिए, और लोग भर भर के नहीं आते तो उसका मन ही नहीं करता क्लास देने का। हाँ, क्यों? क्योंकि वो क्लास भगवान के गुणगान देने के लिए कर ही नहीं रहा, वो तो किस लिए कर रहा है कि मेरे को ज्यादा नाम शोहरत मिले। तो ये प्रॉब्लम है। अतः भक्तों की संगति कर करके भक्ति के जो विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास चाहिए।
धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, मतलब भगवान की जो मूर्ति है मंदिर में है घर पे है उनको भोग लगा के ही सिर्फ प्रसाद खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे होली प्लेसेस में धाम में, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनकी भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, भगवान के और उनके डिवोटिस का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों का उपवास करे, जो स्पेशल डेज हैं फास्टिंग के उनको पालन करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति तथा ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है, क्वालिटी वाइज वो भगवान के समान है। अपने को क्वांटिटी वाइज तो दूर दूर तक भी भगवान के बारे में मत सोचना कभी, क्वालिटी वाइज अगर हम स्पिरिचुअली परफेक्ट हो गए तो हमारे में भगवान जैसी क्वालिटीज दिखने लगेंगी। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के तीन गुणों के भक्ति विधान का तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये हमारा 14 चैप्टर समाप्त तो होता है। कोई प्रश्न है 14 चैप्टर में से, या जो हमने डिस्कस फिर 15 पे जाएंगे, या प्रकृति के तीन गुणों से रिलेटेड कोई प्रश्न है? एनीवेज बाद में 17 चैप्टर में दोबारा तीन गुण को डिटेल में आएंगे, बट इस जो हमने अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ है किसी का? नहीं है, ठीक है, तो हम 15 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कृष्ण प्रभु जी, यस प्रो, प्रभु जी इसमें एक पॉइंट आया कि भगवान की भक्ति अतीव सरल है, कौन बोल रहे हैं? आवाज बहुत भक्ति धीरे इतनी कर ऊंची है तो जी। भगवान की भक्ति जो है अतीव सरल है, हाँ जी, इतनी सरल है तो हम देखते हैं लोग नहीं मतलब इस तरफ डाइवर्ट होते हैं, इस तरफ आते हैं, ऐसा क्या है कि इतना इजी है फिर भी हम इवन हम लोग भी तो इस कुछ क्यों कारण है। क्यों नहीं पहला कर है पाते? कि भगवान की भक्ति सरल तो है, बट किसके लिए सरल है? जो स्वयं हृदय से सरल हो। भक्ति सरल व्यक्ति के लिए सरल है और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको अगर बोला जाए कि तुम्हारे को हाईएस्ट डेस्टिनेशन, सबसे उच्च कोटि का डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, क्या करना है? भगवान के नामों का जाप करना है, मछली मीट नहीं खाना, किसी नहीं खाना, स्त्री पुरुष संग नहीं करना, सिर्फ इतना करना भगवान के नामों का जाप करना और भक्तों से संग करना है, प्रसाद खाना है अच्छे से टेस्टी प्रसाद। तो वो पता मन में क्या आता है? तो मुझे हाईएस्ट पोजीशन जो कभी अवेलेबल किसी को हो सकती है, मैक्सिमम हाईएस्ट पोजीशन चाहते हो, ठीक है बोल रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारे प्रोसेस में। ऐसा होना चाहिए कि कुछ कठोर तपस्या हो, कुछ त्याग ना पड़े,
कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़े, कुछ प्रेशर आए बंदे के सर पे, कुछ व्रत रखने पड़े हैं। दाई गौर चंद्र परम करुणा, सबसे ज्यादा करुणामय भगवान के दो अवतार हैं, निताई गौर चंद्र, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांड, उनके जो शिरोमणि हैं, उनके जो क्रश जूल हैं, वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं। और जो प्रोसेस उन्होंने दिया है भक्ति का, जो प्रोसेस उन्होंने दिया है शास्त्रों से, जो कृष्ण ने प्रोसेस दिया भक्ति का, केवल आनंद कांड, केवल और केवल आनंद ही कांड। एक्चुअली में देखो, ये एक्सपीरियंस करने की बात है। हम सिर्फ अगर क्लास सुनते हैं तो एक लेवल पे हमारा एक्सपीरियंस होता है, बट हम जब मंदिर में भक्तों के साथ आते हैं या बाहर में भक्तों के साथ संग करते हैं, और हम किस में एंगेज होते हैं, हेयरिंग, चैंटिंग, कीर्तन, डांसिंग, कीर्तन में प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाने में, तो जो आनंद की अनुभूति भक्त को होती है तब लगता है ये तो बहुत सरल है। बट हमारे दिमाग में इतना कॉम्प्लिकेशन है कि इतने सरल प्रोसेस को भी हमने बहुत कठिन बना दिया है। किसके कारण? अपने आदतों के कारण। ये एक कारण है। कई बार हमारे को कठिन चीज करने की ज्यादा इच्छा लगती है, उसकी वैल्यू लगती है, और जो बहुत सरल होता है उसको हमें लगता है ये क्या जरूरत है ना इसकी। इसलिए कई बारी प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे कि तुम सारी दुनिया में किताबें तो बांटो, बट तुम लोगों को फ्री में मत किताबें बांटो, क्योंकि कोई चीज फ्री में मिलती है तो व्यक्ति वैल्यू नहीं करता उसकी, जबकि वो किताब उसके जीवन को हमेशा से हमेशा तक के लिए बदल देगी, बट क्योंकि वो फ्री में मिली है वो वैल्यू नहीं करेगा, तो तुम उससे उसकी कॉस्ट कवर करो, ताकि हम और तो प्रिंट कर सकें बट वो व्यक्ति उसको वैल्यू समझ के पढ़े। तो ये क्या है, व्यक्ति की जो स्वभाव है उसके हिसाब से उसको भक्ति दी जा रही है। शास्त्र में यह तक बोला गया है कि कलयुग में स्त्रियों के लिए, लेडीज के लिए भक्ति करना ज्यादा आसान है पुरुषों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो लेडीज हैं वो ज्यादा सरल रहती हैं अपनी श्रद्धा में भगवान के प्रति पुरुषों के कंपैरिजन में। तो आदमी लोग जो होते हैं, पुरुष जो हैं, वो हर समय एनालाइज करते हैं, हर समय हर चीज को अपने बुद्धि से सोचने की कोशिश करते हैं, और सही चीज भी अगर हो उसका फायदा है वैसे बुद्धि से सोचने का, बट जब अगर सही चीज भी सामने आ रही है और हम बहुत ज्यादा बुद्धि उसमें लगाते रहे, ऐसे क्यों, क्या मतलब है, इनको क्या मिल रहा है, रोज रोज हफ्ते भर में आ जाते हैं, कोई काम नहीं है इनको, तो मिल रहा होगा इनको, कौन इनको सैलरी दे रहा है, क्या कर रहा है, क्यों लगे हैं ऐसा बकबक करने में, दो दो घंटा अपना बिता रहे हैं, हाँ कुछ क्या चल रहा है। तो ये आदमियों में ये एनालाइज कर बहुत ज्यादा, इसके कारण उनकी जो श्रद्धा है, जो फेथ है, वो इजीली डेवलप नहीं होता, बट उसमें फायदा ये है कि कोई उसको फिर एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाता। बट कलयुग में जो जो स्त्री हैं उनकी श्रद्धा सिंपल रहने के कारण, जैसे ही वो किसी शुद्ध प्रोसेस के कांटेक्ट में आती हैं, भक्ति के शुद्ध प्रोसेस के कांटेक्ट में आती हैं, तो उनके लिए बहुत इजी रहता है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना। तो कुछ कारण है ऐसे, ये तो यह एक साइड हुआ कारण का कि हमें भक्ति आसान क्यों नहीं लगती। दूसरा जो कारण है वो है कि हम भक्ति करना तो चाहते हैं बट हम भक्ति अपने हिसाब से करना चाहते हैं। हाँ, ये तो एग्जैक्टली ऐसे होता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम तो करना चाहता हूँ और मेरी वहां नौकरी भी लग जाती है, बट जब मेरी वहां नौकरी लग के मैं जाता हूँ तो मैं वहां पे जाके अपने रूल डिसाइड करता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन इन शर्तों पे काम करूंगा। तो अभी भगवान इतने कृपालु हैं कि वो हमारे को अपनी कंपनी से निकालते नहीं है, नौकरी पे रखते हैं, हमें हमारी शर्त पे भी काम करने देते हैं, बट हमारी तरक्की नहीं होती, जहां है वहीं रहते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी तरक्की करते हैं। भगवान को अगर
अगर आगे प्रगति करना है तो हमारा ये प्रश्न बार बार होना चाहिए भगवान के भक्तों से, गुरु से, और शास्त्रों में भी ढूंढना चाहिए कि मेरे मेरे को भक्ति करनी है जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सके, वो मुझे बताओ, ना कि मैं भक्ति कैसे करना चाहता हूं और भक्ति करके। तो ऐसे में इस के साथ हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। तो ये कुछ कारण है, अब ऐसे बहुत से कारण है बट मेजर मेजर ये कारण है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, व्हेन हम जब मोड ऑफ गुडनेस एंड मोड ऑफ पैशन वो स्टेज के बीच में होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें पता है कि हमारे लिए अच्छी है बट फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लाइक एज पर द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, कोई हमें पता है कि हाँ ये चीज करना मेरे लिए अच्छा होता है बट मे बी बिकॉज ऑफ डिजायर, और चलो डिजायर नहीं भी है बट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, हम वो एक्सेप्टेंस कैसे ला सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमको प्रैक्टिस करना है वो अच्छा हमको पता है, फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हाउ कैन वी गेट दैट एक्सेप्टेंस? देखो, जो श्रद्धा है वो हृदय का विषय है, जो फेथ है, और फेथ किसी भी सब्जेक्ट मैटर में तब आता है जब हमारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट नहीं रह जाता। हम जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं, बोले जैसे कि अभी आप एग्जांपल दे रहे हो, हम जब भक्ति करते हैं और हमारे को वो दृढ़ फेथ का वो नहीं, हमारे को नहीं दिखता कि हमारा वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है कुछ चीजों को लेके, उसमें एक बहुत मेजर फैक्टर पता है क्या है? उसमें बहुत मेजर फैक्टर है कि हमारा जो श्रद्धा है वो बहुत कोमल है अभी। और वो कोमल श्रद्धा कैसा है? वो उस पौधे की तरह है जो अभी नया नया या बहुत समय से लगा है बट उसमें ठीक से खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया और उसको धूप भी नहीं लगाया। तो हमारा जो पौधा है अभी बहुत कोमल है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है खुद से इस हवा को, बारिश को, कठोर वेदर को झेलने की। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमारे को खुद बहुत इंटेलिजेंटली अपने आसपास प्रोटेक्शन रखनी चाहिए डिवोटीज की। हाँ, जैसे नया पौधा लगाते हैं, जब हम नया पौधा लगाते हैं तो उसके साथ दो डंडी लगा देते हैं, फिर रस्सी से उस पौधे को बांध देते हैं ताकि कोई तेज हवा आए तो गिरे ना वो पौधा, तेज बारिश आए तो वो मुड़ ना जाए पौधा। तो उसी तरह जब हमारी श्रद्धा कोमल होती है और हमारी एक्सेप्टेंस उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो समझदारी इसी में है कि हम आसपास अपने अच्छे सिंसियर भक्त जो हैं, जिनको आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से करनी है, उनको अपने आसपास मेंटेन करके रखें, उनसे मित्रता बना के रखें, उनकी सेवा करें और उनके आशीर्वाद को लेते रहें कॉन्स्टेंटली। ये बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या कि मैं अपनी बुद्धि से कुछ चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मान लिया, मैं अपनी समझ से कुछ चीजों को नई जीवन में उतार पर मान लिया, बट मेरे पास अच्छे भक्तों का संग होने के कारण मैं उनसे मदद ले सकता हूं जब मुझे जरूरत पड़े, और ये हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं, मैंने कब, आपने मुझसे कई बार सुना होगा ये, इसको कहते हैं इफ यू डोंट हैव इंटेलिजेंस, अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो तुम किसी दूसरे भक्त की बुद्धि को किराए पे ले लो, बट अपनी कमजोर कच्ची बुद्धि को इस्तेमाल मत करो। तुम किसी भक्त की जिसकी बुद्धि स्ट्रांग है, भक्तिमय है, भक्ति में जुड़ी हुई बुद्धि है, तुम उसको किराए पे लो, उससे मदद मांगो। अपनी कमजोर बुद्धि से आध्यात्मिक निर्णय या भौतिक मटेरियल लाइफ में भी अपने ऐसे डिसीजंस मत लो जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
चलें 15 चैप्टर पे। एक छोटा सा डाउट और था। हाँ जी बोलिए ना। प्रकृति के तीन गुणों की बात होती है, क्या एक्चुअली जो रज है और तम है ये गुण है या अवगुण है? गुण है, आपको रजोगुण चाहिए। अगर व्यक्ति के पास रजोगुण नहीं है, अब अर्जुन सत्वगुण में थोड़ी ना युद्ध कर रहा था जब तमो को क्या कुरुक्षेत्र का लेंगे? युद्ध। ये हाँ, तमो भी एक गुण है या फिर दोष? आपको सोने के लिए तमोगुण आवश्यक है। अगर आप हर समय पैशनेट रहोगे तो आप सो ही नहीं पाओगे। तो जो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं ना, उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, क्योंकि उनमें तमोगुण कम होता है। तो हमारे को इन तीनों की मात्रा बराबर चाहिए। आपने आयुर्वेद के बारे में सुना है कभी? थोड़ा सुना है उसके बारे में कुछ, कैसे होता है? आयुर्वेद में रज और तम माना गया है। हाँ, आयुर्वेद में शरीर में जैसे कफ पित्त वात है, वही से तीनों। क्वेश्चन आया है बेटा, आयुर्वेदा का उसमें रज और तम को दोष बोला गया है, मानसिक दोष है ये। हाँ, बट आपके अंग अंदर अगर रज और तम है ही नहीं, अगर तो आप टोटली, अगर अपने जीवन में आप देखोगे तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेचुरली कर ही नहीं पाओगे। मैं एक्सेसिबल एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे को, जैसे मैं सोने का एग्जांपल दे रहा हूं, अगर व्यक्ति हमारे में बेसिकली प्रधानता किसी गुण की होनी चाहिए। मैं आयुर्वेद का एग्जांपल इसलिए दे रहा था, जैसे उसमें कफ पित्त वात शरीर में तीनों लोगों के होता है। अब किसी का शरीर में कफ प्रधान होता है, किसी के शरीर में पित्त प्रधान होती है, और किसी के शरीर में वात प्रधान होती है। बट जिसके शरीर में कफ प्रधान है, उसके शरीर में वात और पित्त भी है। बट बीमारी कब होती है? जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, तब व्यक्ति बीमार कहा जाता है। तो हम जब जो आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेद का एग्जाम्पल दे रहे हो कि जिसमें रज और तम को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है, वो उस हिसाब से है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें सत्व गुण में खाना खाना है, सत्व गुण में अपना जीवन जीने का प्रयास करना है। आप उस एंगल से जो बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे को हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण की तरफ आकर्षित होना है, सत्व गुण की तरफ जाना है। बट जो प्रकृति है, अब प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों प्रकृति के पाश हैं, उनके शिकंजे हैं। भगवद गीता के हिसाब से कृष्ण बोल रहे हैं इवन सत्व गुण भी एक शिकंजा है जिससे बाहर निकलना है। त्रैगुण्या विषया वेद निस्त्रैगुणा भवार्जुन। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, पूरे वेदों में ज्यादातर सिर्फ इन तीन गुणों के बारे में बात की हुई है। रज और तम नहीं बोल रहे, सत्व गुण को भी इंक्लूड कर रहे हैं कृष्ण। हाँ, ज्यादातर हम सत्व गुण को बहुत ही स्पेशल देखते हैं, बट आध्यात्मिक स्तर पे सत्व गुण की इंपॉर्टेंस सिर्फ पता है कितनी है? कि सत्व गुण से आध्यात्मिक स्तर पे आना आसान है। अगर कोई सत्व गुण में जीव के लिए बहुत इजी रह जाता है आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करना। बट सत्व गुण अपने आप में किसी को मुक्ति नहीं दिला सकता, किसी को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं दिला सकता, किसी को भगवान की शरण नहीं दिला सकता। तो ये तीनों ही शिकंजे हैं प्रकृति के, सत्व भी रज भी तमो भी। तो उस एंगल से देखा जाए तो तीनों अवगुण है, बट ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, जिसमें रज और तम सबसे निकृष्ट हैं, नीचे लेवल के गुण हैं। इसलिए हमारे को ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन, अपना दिनचर्या सत्व गुण में बितानी है, ताकि हमारे लिए आध्यात्मिक स्तर पर आना आसान रहे। ठीक है ना? ये प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा या आपको और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नहीं, यही था कि ठीक बताया आपने, तीनों ही अवगुण हैं लेकिन हमें कोशिश करना है सत्वगुण में रहने। हमें कोशिश ज्यादा सत्वगुण में रहने का करना है, क्योंकि उससे ज्यादा आसान रहता है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भगवान का नाम ले रहा है, तो व्यक्ति सुबह उठ के 4-5 बजे भी भगवान का माला कर सकता है, जो सत्वगुण का समय है। वो व्यक्ति
दोपहर में ऑफिस में ब्रेक लेके या गाड़ी में ड्राइव करते हुए आने जाते वक्त, में बसों में साइकिल चलाते वक्त, स्कूटर चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त भी माला कर सकता है, जो रजोगुण की माला करना है, भगवान का नाम लेना रजोगुण में। और वो व्यक्ति शाम में आके आधा थका हुआ, आंखें बंद हो रही हैं, राम 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 राम, वो ऐसे माला भी कर सकता है। हाँ, अब एक्टिविटी स्पिरिचुअल है, बट ये एक्टिविटी का हाईएस्ट बेनिफिट उसको कब मिलेगा? जब वो सत्व गुण में वो एक्टिविटी को करेगा, जब सुबह उठ के करेगा, एकदम पवित्र शुद्ध होके, मन से भी शरीर से भी शुद्ध होके जब बैठ के एक जगह भगवान का नाम लेगा, तो को इम्पोर्टेंस दी गई है। बट अपने आप में सत्व गुण किसी भी लायक नहीं है, अपने आप में सत्व गुण आध्यात्मिक प्रगति नहीं करवा सकता। और मैं उसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने शायद क्लास में बताया भी था, एक ब्राह्मण का एग्जाम्पल कि किस तरह सत्व गुण में व्यक्ति को अहंकार आ सकता है। सत्व गुण में व्यक्ति क्योंकि हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है, जिसका जीवन साफ सुथरा है उसको बीमारी नहीं होता, जिसके विचार साफ सुथरे हैं उसका मन डिस्टर्ब नहीं रहता, जिसको लालच भूख नहीं है वो वैसे ही सेटिस्फाइड रहता है, तो उसको भौतिक स्तर पे कोई बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, बीमारियां, दुख, क्लेश उसके जीवन में नहीं रहता। तो वो हैप्पीनेस जो एक्सपीरियंस करता है अपने मटेरियल लेवल पे भी, कई बारी वो भी फंसा देती रहती हो, नहीं आ पाता। वैसे ही एक ब्राह्मण थे, आपने स्टोरी सुनी होगी मेरी, श्योर, इसी क्लास में, हाँ मैं हाँ दोबारा बिल्कुल बताता हूँ, बताई थी ना? हाँ, वो अहंकार आ जाता है और करेक्ट, कि वो ब्राह्मण अपने पूर्ण रूप से सही समय पर गायत्री करता था, और कलयुग खुद आकर ब्राह्मण को उठाए, तो उठ जा अभी तेरा गायत्री करने का समय आ गया। तो वो पूछा कलयुग से कि तुम तो कलयुग हो, तुम धर्म के अगेंस्ट हो, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो समय पे आके गायत्री करने? क्योंकि वो बोला कि तू अगर अपने समय पे गायत्री नहीं करता तो तेरे में विनम्रता आ जाती, और जैसे ही तेरे में विनम्रता आती तू आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करने लगता, तेरा अहंकार बना रहे कि तू बहुत स्ट्रिक्ट ब्राह्मण है, इसलिए इसलिए तू अपने समय पर गायत्री कर और अपने अहंकार को मेंटेन रख, तो हमें वैसा ट्रैप में नहीं फंसना है। विनीत रूम म्यूट करेंगे विद्या अरोड़ा माता जी का। ठीक है, एटलीस्ट पहला पहला श्लोक 15 चैप्टर करते हैं, इससे आगे तो नहीं जा पाएंगे आज, एटलीस्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। कुछ चीजें इस चैप्टर में, अब ये चैप्टर का पिछले चैप्टर 14 चैप्टर से कनेक्शन क्या है? हाँ, कृष्ण ने 14 चैप्टर में बताया क्या कि हम प्रकृति के 3 गुणों से कैसे आगे बढ़ सकते हैं भक्ति के द्वारा, है ना? इस भक्ति को इस्तेमाल करके हम 3 गुणों से कैसे उठें? बट किसी को अगर भक्ति में आगे प्रगति करनी है तो उसको इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस मटेरियल, इस भौतिक जगत की जो सिचुएशन है उसको तो समझना पड़ेगा, ताकि इससे धीरे धीरे विरक्त हो सके और भगवान से धीरे धीरे आसक्त हो सके। इस भौतिक जगत, इस मेटीरियल जगत को एक बनियन ट्री, अश्वत्थ के पेड़ से कंपेयर करके एग्जाम्पल देंगे कि कैसे, क्या जरूरत है इस मेटीरियल क्रिएशन, इस भौतिक जगत, जो इस पेड़ के उदाहरण से भगवान बताएंगे, उससे विरक्त होने के धीरे धीरे धीरे। और फिर भगवान श्लोक नंबर 6 से 20 श्लोक में, हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में 20 श्लोक ही है, भगवान 6ठे श्लोक से 20वें श्लोक में क्या बताएंगे? पुरुषोत्तम योग, हाँ, योग ऑफ द सुप्रीम, हाँ, कैसे उनको प्राप्त करना है, भगवान की पोजीशन क्या है और कैसे वहां तक पहुंचा जाए, हाँ, उससे उससे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। बेसिकली इस चैप्टर का थीम है। तो जो पहले से 5वां श्लोक है, जो पहले श्लोक से 5वां श्लोक है, वो है किस तरह इस बनियन ट्री, इस अश्वत्थ के पेड़ रूपी भौतिक जगत से अपनी आसक्ति को कम किया जाए, जो हम बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं इस भौतिक जगत में, भगवान
भर के। श्री भगवान उवाच, इस चैप्टर का नाम ही पुरुषोत्तम योग है, योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। ऊर्ध्वमूलम् अधम शाखम अश्वत्थम प्रहुरव्ययम् चंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदा स वेदवेत्। भगवान ने कहा, अब भगवान कंपैरिजन देने वाले हैं। क्या कंपैरिजन? भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वेदिक स्तोत्र हैं, और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो अभी जिस तरह एक नदी होती है और एक नदी के किनारे, नदी के तट पे अगर आप एक पेड़ की रिफ्लेक्शन को, अगर आप एक पेड़ की रिफ्लेक्शन को नदी में देखते हो तो वो क्या दिखती है? वो पेड़ की रिफ्लेक्शन नदी में उल्टी दिखती है। वो नदी की रिफ्लेक्शन पेड़ में उल्टी दिखती है, तो उसमें क्या दिखता है? उसकी जो रूट्स हैं, हाँ, उसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर है, जो मूल है वो ऊपर है, और जो ब्रांच है और पेड़ अपसाइड डाउन है। तो इस श्लोक में भगवान कंपैरिजन अपना स्टार्ट कर दिए हैं, जो इम्पेरिशेबल बनियन ट्री है, जो शाश्वत बनियन ट्री है, जो ये मटेरियल क्रिएशन है, ये इटर्नल है, क्योंकि ये भगवान की एनर्जी है, ये हमेशा से हमेशा तक रहती है, कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है, बट हमेशा से हमेशा रहती है। ये जो ट्री है इसकी शाखाएं रूट्स ऊपर है, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे हैं, और उन ब्रांच में जो पत्तियां लगी हैं वो वेदों के गान हैं, बेसिकली वेदिक हिम्स हैं। और भगवान बोल रहे हैं जो इस पेड़ को जानता है इस रूप में वो वेदों का ज्ञाता है। भक्ति योग की महत्ता, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष भगवान कृष्ण को समझने की योग। अतएव जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। जिस व्यक्ति ने यह कंक्लूड कर दिया अपने जीवन में कि कृष्ण ही परम भगवान है, मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण को ही प्राप्त करना है, उसको वेदों के हजारों लाखों श्लोक रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। वेदों में कृष्ण बोल रहे हैं, भगवत गीता में, मैं ही हूं जानने लायक। क्यों? क्योंकि वेदांत कृत वेदवित, मैंने ही वेदों की रचना करी है, और वेदों का जो एसेंस है वो मेरे तक ही आ रहा है। तो तुम अगर मुझे ही जान गए तो तुम वेदों का पूरा निचोड़ ऑटोमेटिकली जानोगे। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मतृप्ति के लिए है, वह ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बड़ी हैं, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्म स्थित है, जो ब्रह्मा जी का प्लैनेट है, वहां से शुरू हो रही है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। सिर्फ इस वृक्ष को समझने से क्यों बोल रहे हैं बाहर निकल सकता है? क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर तब ही इलाज कर पाता है जब वो बीमारी को डायग्नोस करता है पहले। आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि मेरे को
मेरे लेफ्ट शोल्डर में चेस्ट की तरफ दर्द हो रही है, और वो आपको बोले कि तुम डीप हीट या मूव लगा लो, और ये भी चेक ना करे कि भैया कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो डॉक्टर इंटेलिजेंट नहीं है। अगर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो टेस्ट तो करे, कुछ क्वेश्चन वोश्चन तो पूछे। हाँ, तो एक समय हमारे प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन कैसे निकल जाते हैं, बहुत बड़े सोल्यूशन तभी निकल जाते हैं जब हम प्रॉब्लम को समझ जाते हैं। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति को सर्वो सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। अब जिसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है ना, देखो थोड़ी बहुत अटैचमेंट तो इस जगत में चाहिए, परिवार से भी, काम से भी, ड्यूटी से भी, फ्रेंड से भी, बट जिसकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है वो, उसकी आध्यात्मिक प्रगति कठिन है। तो इसलिए ये चैप्टर को ध्यान से पकड़ना, इन इन सिद्धांतों को अच्छे से समझना, ताकि हमारी अननेसेसरी, बहुत ओवरली जो हम अटैच्ड हैं हर चीज से अपने आसपास, उससे बचें। वो हमें ही सुखी रखेगी, हमें ही दुखों से बचाएगी, क्योंकि इस जगत में जो भी हमारे पास है सब जाने वाला है, सिर्फ समय की बात है। जब सब कुछ जाने ही वाला है तो मैं ये क्यों ना समझ लूं कि मेरे लिए वो परमानेंट नहीं रहेगी चीज, मैं उस चीज पे फोकस करूं जो मेरे लिए परमानेंट रहेगी, जो मेरा भगवान से रिश्ता है। तो जो टेम्पररी चीजें हैं जो चली जाएंगी, उनको बहुत ज्यादा आसक्त जब हम होते हैं, भले ही वो रिश्ते हों, भले ही वो चीजें हों, गैजेट हो, घर हो, गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, नाम हो, शोहरत हो, जो भी हो, उससे बहुत ज्यादा आसक्ति हमारे बीमारी का कारण है, हमारे दुखों का कारण है। इस संसार की जड़ें ऊपर तो बढ़ती ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जो ब्रह्मा जी का प्लैनेट है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष घोतक है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष की जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है, पानी में रिफ्लेक्शन देखते हैं वहीं पे मिलता है हमारे को ऐसा पेड़। असली में पेड़ ऐसा दिखता नहीं है, हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष की प्रतिबिंब जल में पड़ती है, जो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज नोट, यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस मेटीरियल वर्ल्ड में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है, उसका उल्टा है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। हाँ, अभी प्रैक्टिकली इस वृक्ष से कैसे बाहर निकलना है, उसको थॉरली एनालिटिकल स्टडी के माध्यम से, वैश्लेषिक मीन्स एनालाइज करके, इसको समझ लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष को अपना संबंध विच्छेद कर सकता है, वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है, बेसिकली अपने जो रिलेशनशिप है इस पेड़ से कट ऑफ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने इसको पूरा समझ लिया। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष, तब तीन गुण निकलते हैं,
और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रियां, मन आदि निकलते हैं। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों के केंद्र हैं, तो एक प्रकार से ये भौतिक जगत, हाँ, अंश गोलार्ध ही होता है। ओ अच्छा, सॉरी, ये अच्छा 180 डिग्री, इसको हिंदी में लिखा हुआ है, बड़ी शुद्ध हिंदी लिखी हुआ है। भौतिक जगत 180 डिग्री में है और दूसरा 180 डिग्री में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि ये भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति। अभी बेसिकली पता क्या पॉइंट बोल रहे हैं, लोगों को लगता है कि जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, जब भगवान के धाम अगर जाएंगे, तो वहां पे तो सब बोरिंग होगा, वहां बैठे रहेंगे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो यही करते रहेंगे। नहीं, ये जो भौतिक मटेरियल वर्ल्ड है, जब यहाँ पे इतनी वैरायटी है, स्पोर्ट्स की इतनी वैरायटी है, खाने की इतनी वैरायटी है, एंटरटेनमेंट की इतनी वैरायटी है, घूमने फिरने की इतनी वैरायटी है, एडवेंचर की इतनी वैरायटी है, एंटरटेनमेंट सारा कुछ देख लो उसकी इतनी वैरायटी है, रिलेशनशिप में इतनी वैरायटी है, मम्मी बुआ चाची मासा फूफा भाई बहन दादा दादी नाना नानी, फुल रेंज है। तो आध्यात्मिक जगत तो इससे 80 100 करोड़ों गुना ज्यादा वैरायटी रखता है, तो सोचो वहां पे कितना एंजॉयमेंट होगा। और पुरुष साक्षात परमेश्वर, इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। क्योंकि ये अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है। परंतु वह स्तोत्र जहां से है, यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है, शाश्वत है। जो रिफ्लेक्शन है कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, टेम्पररी है मटेरियल मैनिफेस्टेशन, बट जो इसका ओरिजिन है वो इटर्नल है। ये इंपॉर्टेंट है बड़ा जानना। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ट्री है, उसकी रिफ्लेक्शन ये मटेरियल वर्ल्ड है, हमारे को इस मटेरियल रिफ्लेक्शन को काटना है। जब कोई कहता है कि हम अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे ये समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्तियों से विच्छेद करना जानता है। लोग बोलते हैं ना, हमें सारे शास्त्र वेद पता है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे यहां से बाहर निकला जाता है, सिर्फ तोता नहीं बनना, श्लोक पर श्लोक सुनाने। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकर्षित होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। जो बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है ना, हर समय कुछ ना कुछ पाठ करने, कर्मकांडी एक्टिविटीज करने, जिससे उसके जीवन में सब सुखी रहे, यज्ञ वज्ञ करने बैठो और सिर्फ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, मेरे जीवन में कुछ दुख ना है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। उसका जगदीश भगवान से लेना देना ही सिर्फ इतना है कि सुख संपत्ति घर आवे और तन का कष्ट मिटे। हाँ, ऐसे व्यक्ति को कैसे कंपेयर किया है, जो इन पेड़ की हरी पत्तियों से अटैच है, वो इस पेड़ से बाहर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि वो इस पेड़ से अटैच्ड है, हरी पत्तियों से अटैच है, जो वेदों की वाणी है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता, वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह इस प्रतिबिंब वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना है। इस मटेरियल वृक्ष को काटना है और स्पिरिचुअल पोजीशन को प्राप्त करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम ये सेक्शन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे, और फर्स्ट सेक्शन जो 5 पहले 5 श्लोक हैं, जो एक ही सेक्शन
सेक्शन में आते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा। सॉरी, मेरा ना भी दूसरा क्लास है, मेरा आवाज हाँ ऐसे हाँ बंद हरे होता जा रहा है। कृष्णा प्रभु जी। थैंक हरे कृष्ण, यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लंदन।